हाय हेलो शब्बत शालोम प्रेज द लॉर्ड। मैं तुम्हारा एंकर कुमार तिरुपति तुम सबका स्वागत करता हूँ इस बिब्लिकल इंटरव्यू में जिसका नाम है आमना सामना। आज मैं बाइबल के एक ऐसे युद्धवीर का इंटरव्यू करने जा रहा हूँ जिन्हें इसराइलियों को फिलिस्तीन के हाथों से छुड़ाने चुना गया, परमेश्वर की ओर से नाजरी कहलाते हुए एक गधे के जबड़े से लगभग 1,000 लोगों को तहस महस किया हुआ, 300 लोमड़ियों के पूंछ में आग लगाकर फिलिस्तीनों के बीच में हड़कंप मचाया हुआ, अलौकिक रूप से अपने बल और सामर्थ को अपने सर के बालों में समाया हुआ, ये कोई और नहीं वो बलवान, वो युद्धवीर, वो शक्तिशाली, वो न्यायाधीश सिमसोन। हमारे दर्शकों को मैं कुछ बातें बताना चाहता हूँ। बाइबल में हम जो न्यायों का किताब पढ़ते हैं वो पूरा 350 साल का समय है जिसमें इजरायली लोग 7 बार परमेश्वर के साथ बने रहे, उनका आज्ञा पालन करते रहे और 7 बार परमेश्वर से दूर हो गए, उनका आज्ञा का उल्लंघन करते रहे। और इन 350 साल में परमेश्वर ने 12 न्यायाधीशों को उन्होंने नियुक्त किया था ताकि इसराइलियों को सही मार्ग पे चला सके, उन पर न्याय कर सके। इन 12 न्यायाधीशों में 6 बड़े और 6 छोटे। जो 6 बड़े थे उनमें ओतैनियल, यहूदा, गिडियोन, डेबोरा, जेप्ता और सिमसोन। परमेश्वर ने सिमसोन के पूरे जीवन को न्यायों का खिताब उसका 13वां अध्याय, 14, 15 और 16 4 चैप्टर्स में और पूरे 95 वर्सेस के अंदर इनके पूरे कहानी को परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है। कितने सुंदर और कितने खूबसूरत है आपके घने बाल। अक्सर लड़कियों के बालों के बारे में तारीफ किया जाता है, मेरे ये घने बाल ही तो है मेरे वीरता का राज, जो यहोवा खुदावन ने उसके सामर्थ और अभिषेक को इन्हीं बालों में समाया है। माँ के पेट से मरगट तक है इनकी कहानी, आइए सुनते हैं इन्हीं की जुबानी। आपके जन्म के बारे में कुछ बातें हमसे शेयर करें। किस रीति से परमेश्वर ने एक स्वर्गदूत को भेजकर आपके माता पिता से आपके जन्म के बारे में वो सुसमाचार को दिया, कितना विशेष रूप में परमेश्वर ने आपके जन्म को चुना है, कुछ बातें हमारे दर्शकों के लिए शेयर करें। मेरे जन्म के विषय में मेरी माता मुझे बताती है, जब मेरी माता खेत में काम कर रही थी तो एक स्वर्ग का दूत उनके पास आया और उनसे कहा कि हे स्त्री, तू गर्भवती होगी और एक पुत्र को जनेगी और वो नाजरी कहलाएगा, तू उसके सर के बाल को कभी ना कटवाना क्योंकि यहोवा खुदावन उसके बालों में उसके सामर्थ को भरने पर है, उसके बालों में ही उसका अभिषेक होगा, उसका सामर्थ होगा। इसीलिए मेरा जन्म बहुत ही विशेष और अलौकिक रूप से था और इसी बालों में मेरा सामर्थ और मेरा अभिषेक बसा है। अब हम जो है आपके जवानी के बारे में कुछ बातें जानना चाहते हैं, जो है खुलकर हमारे दर्शकों को आप शेयर कर सकते हो। अगर मैं अपने जवानी के दिनों के बारे में अपने दर्शकों को कुछ बातें बताऊं तो सब कुछ बुरा और परमेश्वर के विरोध की बातें हैं। एक दिन जब मैं फिलिस्तीन के तिम्ना नाम के गांव में जा रहा था, रास्ते पे एक सिंह मुझे दिखाई पड़ी। मैंने अपने दोनों हाथों से उसे छीर कर 2 टुकड़ों में फाड़ दिया और बड़े खुशी के साथ मैं उस गांव में चला गया और उस गांव में मैंने एक स्त्री को देखा जिसे देखते ही मेरा दिल धड़कने लगा, मेरे अंदर प्रेम उत्पन्न हुआ और उस स्त्री को देखकर खुश होते हुए मैं लौटकर अपने माता पिता से उस स्त्री के बारे में बताया। मैं तिम्ना नाम के उस फिलिस्तीन लड़की से प्यार करता हूँ, मैं उससे विवाह रचाना चाहता हूँ। सुनने तो अच्छा ही लग रहा है कि एक लड़की को पसंद करना और आकर अपने माता पिता को बताना, परंतु
मैंने उनके ऊपर जोर लगाया, उन्होंने मुझे मना किया था, उन्होंने कहा वे कतना रहित है, वे परमेश्वर के विरोध के लोग हैं, वो एक अन्य जाति है। फिर भी मैं अपने माता पिता का बातें ना सुनते हुए उनके ऊपर जोर जबरदस्ती करते हुए उन्हें मैं शादी कराने मजबूर कर दिया था। और आखिर में उस अन्य जाति के फिलिस्तीन लड़की के साथ मैंने अपनी विवाह रचा ली, जो परमेश्वर के वचन के विरुद्ध था, क्योंकि परमेश्वर का वचन बताती है अंधकार और उजियाला का मिलन कभी नहीं हो सकता है। मेरे विवाह के बाद मैंने विवाह का बोझ को नियुक्त किया और बहुत सारे लोगों को मैंने निमंत्रित करते हुए उसके अंदर हमने मौज मस्ती किए, हमने खाए, हमने पिए। और उस शादी के बोझ में मैं एक पहेली को मैंने उस 30 लोगों से पूछा। मैंने कहा जो कोई इस पहेली को सुलझाएगा उन्हें मैं वस्त्र को दूंगा। परंतु वो 7 दिन तक इंतजार करते रहे, पर एक को भी मेरे पहेली का उत्तर ना पता चला। तब वे सारे मिलकर मेरे धर्म पत्नी को डराकर धमकाकर उस पहेली का उत्तर को जानने के लिए मेरे पास भेजे। जब वो मेरे पास आई तो वो अपने बातों में मुझे फंसा लिया। ये बहुत दुखद की बात है कि मेरा बुरे दिन वहाँ से शुरू हो गए और मैंने जो रहस्य, जो पहेली का उत्तर नहीं बताना चाहिए था, अपने पत्नी को मैंने बता दिया और मेरी पत्नी मुझे धोखा देते हुए जाकर उसका उत्तर जो है उन 30 लोगों को बता दिए। और उन्होंने सबके सामने मेरा बेइज्जती करते हुए उस पहेली को उन्होंने सुलझा लिया। जब सबके सामने मेरा बेइज्जती हुआ, मैं सहन नहीं कर पाया, मेरे अंदर बदले की आग आई और मैंने 30 लोगों का हत्या करते हुए उनके कपड़ों को छीन कर लेकर आकर मैंने बांट दिया। और मैं गुस्से से आग बगुला हो गया। मेरे धर्म पत्नी के ऊपर मुझे इतना गुस्सा आया कि उसने मुझे फंसा दिया, इसीलिए मैं उससे दूर रहा। जब कुछ दिनों के बाद जब मैं लौट कर मेरे ससुर के घर गया, उसने कहा मुझे तो लगा कि तू गुस्सा है, तू नाराज है, इसीलिए मैंने अपने बेटी को किसी और के साथ शादी करा दी। जब मैंने ये सुना मेरा और खून खोल गया कि मेरे पत्नी को किसी और के साथ मेरे ससुर ने शादी करवाया है। अब जो है हम वो विचित्र और असंभव सा लगने वाला उस घटना के बारे में जानना चाहते हैं, जिसमें आपने लगभग 300 लोमड़ियों को पकड़कर उनके पूंछ में आग लगाकर खेतों में छोड़ना, पता नहीं 300 लोमड़ियों को आपने कैसे पकड़ा, कैसे आग लगाया, इन सब के बारे में कुछ बातें हमसे शेयर करें। जब मेरी खुद की पत्नी और मेरा ही ससुर ने जब मुझे धोखा दिया, मैं गुस्से से भर गया और खेत में जाकर 300 लोमड़ियों को इन्हीं दोनों हाथों से 300 लोमड़ियों को पकड़कर जोड़ी जोड़ी में उनके पूंछों को बांधकर मैं आग लगाकर उन्हें खेतों में बेच दिया, ताकि सारा खेत को वो जला दे, सारे देश को वो जला दे। मेरे अंदर वो बदला सा आग लग गया, मेरे अंदर गुस्सा आ गया और मैं जो मेरे मन में आता मैं वो करता गया, क्योंकि मेरे साथ गलत हुआ था, मेरे साथ धोखा हुआ था। जब फिलिस्तीन लोगों को पता चला लोमड़ियों के द्वारा मैंने सारे जंगल में आग लगा दी, तो वे मेरे ससुर के घर गए और उनके घर को भी वे आग लगा दिए, जिस घर के अंदर मेरा ससुर और मेरी धर्म पत्नी निवास करते थे। उस आग में जलकर वे दो भी मर गए, अपने प्राण को उस आग में वो जलकर त्याग दिए। मैं भड़क सा उठा और मैं फिलिस्तीन लोगों को खत्म करना चाहा। जब मैं दौड़ता हुआ उनके पास गया तो लगभग 1000 लोग मुझे घेर लिए। मेरे पास ना कोई तलवार ना कोई हथियार थी, परंतु मैं परमेश्वर की ओर देखा। यहोवा खुदावन, तूने दिया हुआ ये सामर्थ ही मेरे पास है और इसी सामर्थ से मैं 1000 लोगों को मार गिराना चाहता हूँ। तब जो है मेरे आंखों के सामने एक गधे का जबड़ा पड़ा हुआ मिला। मैंने उस जबड़े को उठाया और सिर्फ गधे के जबड़े से मैंने 1000 लोगों को यहोवा के नाम से, इस सामर्थ से मैंने मार गिराया है। अब हम जो है उस रात के बारे में जानना चाहते हैं, जिस रात को आपने एक वेश्या के घर में अपने रात को बिताया।
पता नहीं अचानक जो है मेरा मन परमेश्वर से दूर हो गया। 20 साल परमेश्वर का सेवा करने के बाद मैं परमेश्वर के विरोध करने लगा और एक दिन मैं जो है उस वेश्या के घर चला गया, उसके साथ संबंध रचाने, उसके साथ व्यभिचार करने मैं उसके घर चला गया। और जब फिलिस्तीन लोगों को पता चला कि सिमसोन इस वेश्या के घर पर आकर समय बिता रहा है, वे चारों तरफ मुझे घेर लिए और मैं उस वेश्या के बिस्तर से उठा और दौड़ता हुआ उस घर के द्वार के जो तिवाड़े थे उसको अपने हाथों से पकड़ लिया और यहोवा का नाम लेकर खींचता हुआ चला गया और पहाड़ के ऊपर दौड़ता हुआ वहां से जाकर मैंने गुस्से से उस तिवाड़ों को फेंक दी, क्योंकि मैं फिलिस्तीन लोगों को डराना चाहता था कि मैं सिमसोन हूँ, मैं सामर्थ से भरा हुआ शक्तिशाली मैं सिमसोन हूँ, मुझे कोई नहीं छू सकता है, मुझे कोई पकड़ नहीं सकता है, मुझे कोई मार नहीं सकता है। और आखिर में जो है डलीला नाम के एक वेश्या के साथ, एक गंदे काम करने वाले स्त्री के साथ आपका संबंध होना, अपने सारे रहस्य को उस स्त्री को बताना और आखिर में अपने सर के सारे बाल को मंडवा कर परमेश्वर के सामर्थ को खो देना, उसकी आत्मा को खो देना। जब कभी मैं उस स्त्री का नाम सुनता हूँ मेरे रोम रोम कांप उठते हैं, मेरे अंदर आग लग जाता है, मैं उसे मार देना चाहता हूँ, क्योंकि वही स्त्री है, वही डलीला है जो मुझे बर्बाद कर चुकी है, मेरे सारे सामर्थ को छीन चुकी है, जो मुझे परमेश्वर से दूर कर चुकी है और मुझ मेरा पतन होने का कारण वो स्त्री है। ये दुखद और अफसोस भरा हुआ ये कहानी के बारे में हम जानना चाहते हैं, क्यों आपने जो है डलीला नाम के एक स्त्री को अपना सारा रहस्य को बताकर परमेश्वर की आत्मा को आपने खो दिया। हमारे लिए प्लीज शेयर करें। गलती मेरा है क्योंकि मैंने उससे प्यार कर बैठा, मैं उससे प्रेम को रचाया। वो दुष्ट स्त्री ने चंद पैसों के लिए फिलिस्तीन लोगों के साथ हाथ मिलाकर मुझे धोखा दिया है, अपने गोद में उसने मेरे सर को लेटाया और अपने बातों में मुझे फंसाया। वो मुझे बार बार पूछने लगी, तेरा इतना सामर्थी होने का, इतना शक्तिशाली होने का रहस्य क्या है? मैं काफी देर तक उसे छुपाने की कोशिश की, परंतु वो दुष्ट स्त्री उसने आखिर में मेरे मुंह से वो रहस्य को उसने निकाल लिया और मैंने बता दिया कि मेरे इन्हीं घने बालों में, इन्हीं ये काले बालों में मेरा परमेश्वर का अभिषेक समाया हुआ है। जब वो जान गई कि मेरा इतना ताकतवर, इतना प्रभावशाली होने का रहस्य ये मेरे बाल है, उसने अपने गोद में मुझे सुला दिया, उसने मेरे सर के सारे बाल काट दिए और परमेश्वर का सामर्थ मेरे शरीर को छोड़कर चला गया, क्योंकि मेरा रहस्य मैंने एक दुष्ट स्त्री के हाथ में रख दी थी। और आखिर में हमारे दर्शक जानना चाहते हैं आपके मृत्यु के बारे में। जब मेरे सर के सारे बाल मुंडवाए गए, सारे बाल कट गए, परमेश्वर का सामर्थ मेरे शरीर को छोड़कर चला गया, मैं कमजोर हो गया, मैं निर्बल हो गया, मैं कुछ नहीं कर पा रहा था। जब फिलिस्तीन लोगों को पता चला कि इसका सारा सामर्थ निकल चुका है, अब ये कमजोर पड़ चुका है, वे लोग आकर मुझे बांध लिए, मुझे वो जकड़ लिए और साकलियों में बांधकर मुझे खींचता हुआ वे ले चले गए और उन्होंने मेरे दोनों आंखें उन्होंने निकाल ली, मुझे उन्होंने अंधा बना दिया और जाकर स्तंभ को उन्होंने बांध दिया और सारे लोग जो है नाच रहे थे, गा रहे थे, खुशी मना रहे थे, ये सामर्थी सिमसोन आज निर्बल हो चुका है। मैं उन दोनों स्तंभ के बीच में बांधा गया और मैं यहोवा खुदावन की ओर देखकर बिलक बिलक कर रोने लगा, ए यहोवा खुदावन तेरा अनुग्रह मुझ पर आने दे, एक बार मुझे क्षमा कर, फिर एक बार तेरा अभिषेक मेरे अंदर आने दे, फिर एक बार तेरा सामर्थ मुझे अंदर आने दे। यहोवा खुदावन जो दयालु है, जो अनुग्रहकारी है, मेरी प्रार्थना को सुनकर उसने फिर एक बार मैंने खो दिया हुआ सामर्थ को, उस अभिषेक को फिर एक बार मेरे शरीर में भर दिया और मैं उसके नाम को लेकर ये कमजोर पड़ा हुआ ये सिमसोन फिर एक बार बलवान हो गया, फिर एक बार सामर्थ से भर गया और दोनों स्तंभों को पकड़कर मैंने ऐसे खींचा कि सारा महल धस गया और लगभग 3,000 लोग उस स्तंभ के नीचे, उस महल के नीचे दबकर
मर गए और उनके साथ मैं सिमसोन अपने प्राण को भी उनके साथ त्याग दिया। जैसे कि आपने सुना, सिमसोन एक सामर्थी, बलवान और परमेश्वर की ओर से चुना हुआ एक परमेश्वर का दास। अगर ऐसा परमेश्वर का दास पाप में गिर सकता है, हो सकता है कि हम भी टैलेंटेड है, अच्छे गीतों को गाते हैं, अच्छे बजाते हैं, अच्छे नाचते हैं, अच्छे प्रचार करते हैं, बहुत सारा टैलेंट हमारे पास है, फिर भी हम पाप में गिर सकते हैं। अगर सिमसोन जैसा परमेश्वर का दास अगर गिर सकता है तो तुम और मैं भी गिर सकते हैं। अगर हम ऑलरेडी पाप में जी रहे हैं, हम सिमसोन की तरह ऑलरेडी पाप में गिर गए हैं, तो हम सब के लिए ये इंटरव्यू से यही सबक मिलता है। जो परमेश्वर ने सिमसोन को एक मौका को दिया, हम सबको भी वो एक मौका को देता है। ये इंटरव्यू तुम सबके लिए एक मौका है। अगर तुम पाप में दबे हुए हो, पाप के जीवन को जी रहे हो, तो मन फिराइए। सिमसोन ने मन फिराया और फिर एक बार खो दिया हुआ सामर्थ को, उस अभिषेक को उन्होंने प्राप्त किया। आज हम सबके लिए एक मौका है, पाप से मन फिराकर फिर एक बार वो खो दिया हुआ सामर्थ, खो दिया हुआ अभिषेक को फिर एक बार परमेश्वर से प्राप्त करने का। इस इंटरव्यू के द्वारा हर व्यक्ति से परमेश्वर ने बात किया, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। शबात शालोम। अब जल्द से जल्द एक काम करे, इस वीडियो को लाइक करे, शेयर करे, कमेंट करे और मैं आशा करता हूँ सब्सक्राइब भी करोगे। धन्यवाद।